सभी को प्रेत और जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पर, आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, आपने देखा होगा टाइटल, बिल्कुल एक और एक संकट की भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा बॉलीवुड को लेकर, और बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। कम समय में बहुत कुछ परमेश्वर ने बताया है। प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, प्रार्थना करना, समझाना, भविष्यवाणी करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इस समय में इंदौर आया हूँ, और जो भगवान परमेश्वर ने कहा है बनने के लिए, उसका जो नींव रखी जाएगी 1 मई से, खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के ऑफरिंग दान, आप लोगों की भेंटें, आप लोगों का प्रेम उस भवन के प्रति बढ़ रहा है, और आप सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हो। खुदा आपको आशीष दे। जो अभी तक नहीं दे पाया, वीडियो के लास्ट में आपको अकाउंट नंबर और सब कुछ मिलेगा, और इस जगह भी आप देख सकते हैं QR कोड है, आप स्कैन करके आप अपनी अनमोल अनमोल चीज, यानी कि अनमोल दान, ऑफरिंग, भेंटें उस भवन के लिए दे सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ जो आत्मिक होगा वो तेरा मेरा नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ या मैं उस मिनिस्ट्री से हूँ। वो ये कहेगा कि परमेश्वर का भवन बन रहा है, इसमें मैं सहयोग करूंगा। हालेलुया। मेरे से तो एक बार फिर से परमेश्वर ने बॉलीवुड पे भविष्यवाणी करने के लिए बोला है, खासकर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पर एक संकट आने वाला है। और एक क्वेश्चन उठता होगा आपसे कि ना, कि बॉलीवुड पे क्यों परमेश्वर बार बार करवाता है ना, ये मन की बात पर बुझाता है कि वो मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वहां तक मेरी आवाज जाएगी नहीं जाएगी, तो फिर परमेश्वर उन तक क्यों बोलता है। यही कारण है मेरे से, जब हम आत्मिक नहीं होते तो शैतान बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता है। क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसका जवाब परमेश्वर के पास है। हम जिस दिमाग से चलते हैं, कई बार शैतान उस दिमाग में अपनी बातें डाल देता है। हम ये सोचते हैं कि वो तो बॉलीवुड वाले हैं, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है ना कि मैं एक जाति के लिए, एक लोगों के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। यीशु मसीह ने परमेश्वर में जगत से ऐसे प्रेम, जगत में सब कुछ है मेरे जी को, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कास्ट का भी बनी है, यानी कि लड़की हो, लड़का हो, वेश्या हो, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो, परमेश्वर के लिए बचाना सबका क्या है, काम है, सबका उद्धार है। वचन कहता है कि परमेश्वर सबको ढूंढना है। रही बात वहां तक पहुंचने की, जरूरी नहीं कि हम वहां तक पहुंचे और तभी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। अलीशा बाहर नहीं आया था और नमन बड़ी ठीक हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर का पैगाम है, आपने सुना, मैंने, हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर उनके जीवन में काम करा और वो काम होगा। मेरे जीतों में कुछ प्रकाशन आपको देना चाहता हूँ। जब यज्ञ नबी को परमेश्वर ने कहा हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर, क्या वो हड्डियां सुन पा रही थी, क्या हड्डियां देख पा रही थी? यज्ञ नबी ये नहीं कहा, नहीं प्रभु मैं क्यों करूं, ये क्या सुन पाएगी? उन्होंने कहा तू ही जानता है। जब परमेश्वर कुछ काम कहते हैं बोलने के लिए, तो मैं उसको कार, हमें बिना सोचे समझे परमेश्वर कार्य को आगे करना चाहिए। क्योंकि कहता है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर अपन कुछ भी बोला है, कुछ भी जिसे कहते हैं, हमारे लिए वो अजीब गरीब हो सकता है, हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी है। एक वचन में लेके जाऊंगा मैं आपको, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्योंकि ज्यादा हम अग्रीमेंट करेंगे, तू मैं करेंगे परमेश्वर के साथ, उसको नहीं गवारेगा। वचन कहता है हमारे वर्ड थोड़े ही हो, मैं जानता हूं परमेश्वर जो बोलता है हमें यस बॉस कर आगे बढ़ना है, तभी हम फलवंत होंगे। वचन कहता है अमोस 3:7-8 में, देखो क्या लिखा है। लिखा इस प्रकार है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा, अपना मरम प्रकट कुछ भी ना करेगा। सुनो, सिंह गरजा कौन ना डरेगा, है ना, सिंह गरजता है, शेर गरजता है, तो कौन नहीं डरता। फिर क्या लिखा है, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। अगर परमेश्वर बोला है तो कौन कह सकता कि मैं तो नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा? नहीं मेरे से तो परमेश्वर ने कहा बॉलीवुड के लिए भविष्यवाणी कर तो कर, नेता के लिए कर तो कर, पत्ते के लिए कर तो कर, आप के लिए कर तो कर। तो यही है परमेश्वर का। प्रभु ने दिखाया जब मैं जा रहा था, कि मैं जब दर्शन में था और एकदम मिला आपके लिए, और अनुपम खैर के बारे में बड़ा संकट बताया। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दया करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हर कोई तेरी संतान है पिता। आज कोई तुझे ना जानता हो लेकिन एक दिन जरूर जानेगा, ये विश्वास है पिता। आने टाइम में जो अपने संकट बताए, उस संकट में तू उनके साथ रहना पिता, और संकट से बचाना, और जितने भी लोग देख रहे पिता उनके जीवन में हर संकट से बचाना। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए पिता, जो
प्रार्थना के साथ साथ तेरे लोग कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। उनको हजार गुना प्रतिफल देना, इनके जीवन में से हर संकट बीमारी दूतरी कलेश को दूर करना। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ हर भविष्यवाणी करने के लिए, उसे पूरी करने के लिए, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।